चलो सो हाँ भाई, क्या हाल है? ये रही अपने पास सुजुकी डिक्सर एसएफ 250। सो अभी लेंगे इसकी राइड, देखते हैं कैसी चलने में है बाइक। ये लुक तो काफ़ी अच्छी है, इसका वो क्राउंड रिव्यू आपने देख लिया होगा, बाकी आओ चला के देखते हैं। सो सबसे पहले तो भाई मीटर देख लो, नेगेटिव डिस्प्ले है। ये सेल्फ मारी हमने, वेंट टैप स्टार्ट हो गई, ये ऐसी आवाज़ आती है। तो भाई पोस्चर है बिल्कुल इसका स्पोर्ट्स टूरर वाला, अपराइट पोस्चर है, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेग्स भी ज़्यादा पीछे नहीं है मेरे, ये बिल्कुल सेट है सही तरीके से। स्पोर्ट्स फील भी आ रहा है, मतलब हाथ नीचे तो हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा ही एग्रेसिव फील आए। तो काफ़ी इजी इसका राइडिंग स्टांस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, और टेस्ट ड्राइव व्हीकल है भाई ये, तो स्मूथ चल रही है। बस थोड़ी सी हैंडल बार पे वाइब्रेशन आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट राइड व्हीकल है कुछ इस वजह से भी, बाकी स्मूथ काफ़ी है, पिकअप काफ़ी सही पकड़ रही है काफ़ी इजीली। भाई ब्रेक की बात करूं तो यार फ्रंट ब्रेक में जो बाइट आ रही है ना बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है, मतलब फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हुए काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाइक अभी फ्रंट ब्रेक लीवर दबाते ही रुक जाएगी। और ABS काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, रियर एवर ब्रेक चेक कर लेता हूँ तो भाई ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, ABS की नहीं कर रहे बीच में, और ऐसा कुछ फील आता है चलाते वक्त, ऐसा पोस्चर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आगे का जो ये व्यू है। और बस थोड़ा विंड ब्लास्ट आएगा यहाँ से, बाकी विजिबिलिटी है मिरर के ऊपर सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़े ज़्यादा ही दूर हैं ये वैसे, और थोड़े बाहर भी थोड़े ज़्यादा निकले हुए हैं, बट वैसे आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आती है बाइक खींचने पे। भाई ये ब्रेकर आ गया है, भाई ब्रेक काफ़ी सही, और सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, सॉफ्ट भी नहीं है ज़्यादा, हार्ड भी नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड है, तो पोर्ट होल्स वगैरह आपको फील नहीं होंगे, और आप मतलब आप तेज़ स्पीड में भगाओगे हाई स्पीड में तो स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बरकरार रहेगी यहाँ पे, टायर्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है यहाँ पे आपको। भाई आगे पुलिस वाले खड़े हैं तो अभी हमने लेफ्ट टर्न ले लेते हैं भाई, और भाई कटिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है इसकी, टर्निंग रेडियस भी सही है, और मतलब लीन करने में मज़ा आएगा इसको, लीन करने में काफ़ी अच्छे से लीन हो रही है बाइक, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो भाई लीन तो करनी बनती है, तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है आपको। और क्लच भी सॉफ्ट है, गियर शिफ्टिंग भी भाई स्मूथ है, डाउन शिफ्ट करके देखता हूँ, वाओ सही है, थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है यहाँ पे, बाकी फुटपैक पे इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता यहाँ पे आपको। ब्रेक से मैं इम्प्रेस हो गया यार, इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट ब्रेक तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को भाई, एंड हीट वगैरह ऐसी कुछ फील नहीं हुई अभी तक मेरे को, तो हीट वगैरह का इशू इसमें है नहीं मेरे को लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चल चुकी, अभी थोड़ा चला के लाए थे हम इसको पहले भी, तो हीट अभी तक आई नहीं है इसकी, और अभी टेम्परेचर भी गर्मी का ही मौसम है भाई। इधर से कहाँ से? अच्छा ऐसे, तो इधर से लेनी पड़ेगी हमको बाइक। टर्निंग रेडियस काफ़ी सही है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से यार, मतलब इजीली टर्न कर सकते हो आप, और अब थोड़ा सा रोड भी अच्छा आ गया, अब थोड़ी खींच के भी देख लेंगे कि पिकअप वगैरह कैसा है इसका, स्पीड कितनी जल्दी अचीव करती है। अभी खींचेंगे इसको, फर्स्ट गियर में 51 जाती है, सेकंड गियर में 76, थर्ड गियर 97, फोर्थ गियर में भी चली गई है, बढ़िया जल्दी 100 की स्पीड पकड़ लेती है बाइक, टाइम नहीं लगाती, खींचने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं लगता कि बाइक डगमगा रही है, बिल्कुल स्टेबल फील होती है भाई। ये हम आ गए अंडर पास के नीचे, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, मीटर और अच्छा लग रहा है रात के टाइम, हॉर्न देख लो ऐसा लगता है इसका यार, थोड़ा हॉर्न अच्छा हो सकता था इसका। बाइक काफ़ी बढ़िया लगी यार, बाइक मेरे को चलाने में मज़ा आ रहा है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फील दे रही है बाइक यार ये, मज़ा आ गया चला के इसको, काफ़ी बढ़िया लगी बाइक, और हाथ में भी यार अभी तक कोई पेन नहीं हुआ है, नहीं बैक में नहीं हाथ में, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं तो हाथ वगैरह में पेन हो जाता है, बट इसमें ऐसा कोई इशू मेरे को देखने को नहीं मिला है।
और बटन्स भी काफ़ी हैंडी है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्लच भी लाइट है, गियर भी स्मूथ है, कुल मिला के बाइक काफ़ी अच्छी है भाई। बस यही है थोड़ा सा, इसमें आप अगर मॉडिफिकेशन करवा के आप थोड़ा वाइजर करवा सकते हो तो और अच्छा लगेगी, बाकी लुक तो काफ़ी बढ़िया इसकी ऑलरेडी है ही और काफ़ी अच्छा फील आने वाला आपको इसको चलाते वक्त। जो 250 सीसी का पंच आपको फील होगा ज़रूर यहाँ पे, सुजुकी की स्मूथनेस भी फील होगी। डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब इजीली हो रहे हैं सारी चीज़ें इसमें डाउन शिफ्ट वगैरह, बस मिनिमम बज आएगा वाइब्रेशन का यहाँ पे, पता नहीं है टेस्ट राइड व्हीकल इसमें ही आ रहा है क्या, बट ठीक है इतना कोई इरीटेटिंग भी नहीं है। और खींचते तो आवाज़ काफ़ी प्यारी आती बाइक से, सिटी में भी आप इजीली राइड करोगे, कटिंग वगैरह आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पोस्चर काफ़ी अच्छा है तो कहीं पेन वगैरह नहीं होगा हाथ वगैरह बॉडी में, तो सिटी में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और इतना हीटिंग इशू नहीं है, बहुत नॉर्मल हीट आएगी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, इरिटेटिंग हीट नहीं करेगी इसमें आपको। देख लो आप कितनी ईजिली कटिंग हो रही है, मार्केट में ओवरटेक करने में भी काफ़ी सही है, और जब आप चलाओगे तो काफ़ी अच्छी लुक लगेगी, मतलब आप जिस पर बैठे रहोगे तो सामने वाला बंदा देखोगे काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब यार रिएक्शन अच्छे मिलेंगे, कुल मिला के आपको रोड प्रेजेंस अच्छी मिलेगी इस बाइक के हिसाब से। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक लगी मेरे को यार इस प्राइस के हिसाब से, मेरे हिसाब से लेनी चाहिए ये बाइक आपको, कंसिडर ज़रूर करनी चाहिए ये बाइक, क्योंकि इसमें ऐसी मेरे को कोई कमी फील हुई नहीं, छोटी मोटी कमियां तो सभी बाइक में होती है भाई। बाकी आप बताओ आपके पास जिक्सर है क्या, किस किस के पास है, किसको अच्छी लगती है, कौन लेने की प्लान कर रहा है और कौन सा कलर बेस्ट लगता है इसका। बाकी अभी शोरूम पे पहुंच चुके हैं, बस अभी दे देंगे उनको बाइक। मैंने आपको अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कैसी लगी मेरे को बाइक, अपना फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाकी टॉप स्पीड भी 150 तक चली जाती है क्योंकि हमने पहले भगा रखी है ये, तो काफ़ी सही है ये शोरूम है भाई। सो चलो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय। अभी बाइक दे देता हूँ मैं।